तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म पानी यहाँ पर निकल रहा है, ये देखिए। तो हेलो भाइयों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पावरफुल वाटर गीजर बनाने जा रहे हैं। तो ये 100% सेफ है और ये बहुत ही इजीली बन भी जाएगा। तो भाइयों, इसे बनाने में जो जो सामान लगेगा वो सभी मैंने यहाँ पर नीचे दिखाया हुआ है आपको, तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक हीटर चाहिएगा। तो दोस्तों, यही इसका सबसे महंगा आइटम है। तो ये गीजर का हीटर है और ये 1500 वाट का है। तो ये 250 रुपए का आपको बिल्कुल इजीली बाजार से मिल जाएगा। उसके बाद हमें इस तरह के ये पाइप चाहिएंगे। तो इनमें इस तरह के ये वाशर लगे हुए हैं, तो इनसे ही हम इसको टाइट करेंगे। और ये आउटपुट के लिए हमें इस तरह का नल भी चाहिएगा, ठीक है। और सबसे मेन पार्ट हमारा, इस तरह का हमें एक पाइप चाहिएगा। तो दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है, ठीक है। तो यानी 1 फिट का ये पाइप मैंने यहाँ पर लिया है। और इस पाइप को दोनों तरफ से बंद करने के लिए हमें ये इस तरह के ढक्कन की जरूरत पड़ेगी। ये सारा सामान आपको पाइप की दुकान से मिल जाएगा। तो इस पाइप को दोनों तरफ से बंद करने के लिए एक ढक्कन इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा। और गाइस, जहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे तो उसको ढकने के लिए कनेक्शन को ये इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए अभी सर्किट को बना लेते हैं। तो भाइयों, ये जो गीजर का हीटर है ये हमें इस ढक्कन में फिट करना है। तो चलिए इस हीटर को इस ढक्कन में लगाते हैं, लेकिन पहले हम बीच में मार्क लगा लेंगे जिससे हमें ये बीचों बीच इसके कनेक्शन कर दें हम, ठीक है। तो ये बीच में हमने निशान लगा लिया। अब चलिए यहाँ पर होल कर देते हैं हम। तो होल करने के लिए हम इस तरह की ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसमें हीटर लगाते हैं। तो चिपकाने के लिए हम इस तरह के बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ये आसानी से आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ से आप ये ढक्कन वगैरह लोगे। तो चलिए अब इस हीटर को लगा लेते हैं। तो गाइस, हीटर आपको ढक्कन के बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल बीच में लग चुका है। तो इससे क्या होगा, ये पाइप में कहीं भी टच नहीं होगा और पाइप नहीं जलेगा, ठीक है। तो अब इस ढक्कन को हम इस यहाँ पर पाइप में इस तरह से लगा देंगे, लेकिन लगाने से पहले हम यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे ये वाला, जिससे कि ये लीकेज ना हो। और एक यहाँ पर होल कर देंगे आउटपुट के लिए, जिससे यहाँ से पानी बाहर हमें मिले, ठीक है। तो पहले हम होल कर लेते हैं, फिर इस ढक्कन को लगा देंगे। तो चलिए अब इसमें आउटपुट का पाइप ये हम लगा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से खोल के यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये गाइस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर सारे में इसमें बॉन्ड लगा देते हैं, जिससे कि लीकेज जो थोड़ी बहुत है वो भी ना हो। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ इसके बॉन्ड लगा देना है। तो देखिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हो चुका है। अब इसमें हम ये हीटर इसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसे लगाने से पहले हमें यहाँ पर चारों तरफ इसके बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से फिट हो जाए इसमें। तो इस तरह से बिल्कुल, देखिए ये पाइप से भी दूर है, तो हम इस तरह से इसको लगा देंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है। और यहाँ पर भी देखिए, पाइप से भी बचा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी। अब इसमें बाकी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज, अब हमारे गीजर में ये नीचे ढक्कन लगेगा, तो यहाँ पर हमें एक होल करना पड़ेगा जिससे इसमें पानी घुसेगा। तो घुसने के लिए हम ये वाले पाइप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर बीचों बीच इसके होल कर देंगे। तो फिर से हम ड्रिल से होल करने जा रहे हैं यहाँ पर बीचों बीच इसके। तो भाइयों, ये रहा इसका इनपुट पाइप। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे ताकि ये लीकेज ना हो। तो देखिए, ये बिल्कुल लग चुका है इसका इनपुट पाइप। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले इसमें बॉन्ड लगा देंगे जिससे कि ये लीकेज ना हो। We'll be right back.
तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लग चुका है और इस तरह की इसकी फिनिशिंग आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब यहाँ पर इसके हीटर के कनेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कनेक्शन करने के बाद ये जो हमारा ढक्कन है इसको हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमारा जो नंगे तार है वो भी चिप जाएंगे और यहाँ पर हम होल कर लेंगे दो, एक से वायर निकाल लेंगे और एक में स्विच लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर एक होल करने जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर दोनों होल हो चुके हैं। तो गाइस चलिए अब इस गीजर में कनेक्शन करते हैं यहाँ पर, और कनेक्शन करने के बाद इस ढक्कन से अब इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ होल किए जहाँ से हम वायर और इंडिकेटर और स्विच इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इंडिकेटर यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसको मैं इस तरह से निकाल देता हूँ और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, और इसको हम टाइट कर देंगे। तो गाइस ये इंडिकेटर भी यहाँ पर लग चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा बोन डाल दिया। तो चलिए अब इसमें हम ये लीड लगाते हैं जिससे हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस लीड को हम यहाँ से निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस, और इसको निकाल करके हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। और ये रहा हमारा स्विच जो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए अब कनेक्शन करते हैं। तो दो हमारे पास इंडिकेटर के वायर है, ये देखिए ये दोनों, और दो वायर हमारे सप्लाई के हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर को, इंडिकेटर के वायर को तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे, तो गाइस देख सकते हैं सप्लाई के दो वायर है, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है। तो ये इनमें से ब्लैक वाला मैंने लगा दिया और रेड वाले को हम स्विच से लगाएंगे, और इंडिकेटर के दोनों वायर यहाँ पर लगा दिए, तो हम रेड वाला इसमें लगाएंगे लेकिन स्विच से, ठीक है। तो हम पहले रेड वाले को स्विच में लगाएंगे यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर, और बीच वाले से निकल के एक वायर यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये है छोटा सा वायर, तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और बीच वाले वायर में। तो गाइस ये देखिए पहले पॉइंट पे लगा चुका हूँ मैं, और अब ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे लगा देंगे और बीच वाले पे। तो इस तरह से यहाँ से जब इसे ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से निकल के यहाँ की जर में चली जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं सारे कनेक्शन हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कनेक्शन, जो इंडिकेटर के दोनों वायर है ये तो हमने डायरेक्ट हीटर में दोनों वायर में लगा दिए। अब हमने क्या किया, जो सप्लाई का वायर है इनमें से ब्लैक तो हमने सीधा हीटर में लगा दिया, और बचा एक वायर, ये देखिए एक वायर हमने स्विच से कनेक्ट किया और फिर स्विच से निकाल करके हीटर में लगाया, यानी सप्लाई पहले स्विच में आएगी, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हीटर में जाएगी। तो चलिए अब स्विच को यहाँ पर लगा लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड हमारा प्रोजेक्ट एकदम रेडी है टेस्ट करने के लिए, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं गीजर हमारा लग चुका है, ये देखिए इसका जो वायर है वो यहाँ से हमने बोर्ड से लिया हुआ है, और बोर्ड हमने सीधा यहाँ पर लगा रखा है, वो देखिए स्विच, तो वहाँ से ये वायर जा कर के यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से हमने गीजर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पानी इसके अंदर जाएगा इस तरह से। तो चलिए अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो गाइस इसका ऑन बटन ये रहा और ये इंडिकेटर है, तो जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर चालू हो जाएगा, ये देखिए, तो ये चालू हो गया, तो ब्लिंकिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए अब इसमें पानी देते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म पानी यहाँ पर निकल रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से गीजर हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस बहुत ही आसान सर्किट है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसकी आउटपुट मिलेगी। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।